जी नहीं, मैं गाना तो मराठी ये पहला ही है, लेकिन एज ए एक्टर काम किया है, एज ए मूवी हिंदी मूवी बनाई है, नेपाली भी बनाई है। लुक सेंटर सर, और ये मराठी मेरा पहला गाना मेरा भी और अनारा जी का भी पहला ही गाना है ये। तो इससे पहले गाना कभी मैंने डांस किया नहीं, हाँ एक्टिंग की है, डायलॉग बहुत मारे लेकिन ठुमके कभी नहीं मारे। लेकिन ये गाना बहुत अच्छा बना है, अब सबको पसंद आएगा और होप कि हम ऐसे गाने और बनाते रहेंगे और पब्लिक का हमें प्यार मिलता रहेगा, ये हमको पूरा यकीन है। और जैसे कि आपने बताया कि जोड़ी अच्छी लगी, तो शायद ये जोड़ी आगे हमेशा चलते रहेगी। नाना जी की भी एक तरह से शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि बहुत काम किया है लेकिन मराठी में एक शुरुआत है डेब्यू। जी जी, क्या कहना चाहेंगे नाना जी? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बोला ना मुझे सारी भाषाओं में काम करना है, तो धीरे धीरे सब भाषाएं मैं करती जा रही हूँ। मराठी पेंडिंग थी, मराठी करूँगी फिर पंजाबी करूँगी, तो सब भाषाओं को कवर करना है मेरा, तो यही मोटिव है 2023 का। किस तरह का मूड है गाने में और क्या है डांस? इट्स आइटम सॉन्ग, इट्स आइटम सॉन्ग, फुल ऑन डांसिंग नंबर। और मराठी में मैंने बहुत सारे गाने देखे हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बहुत डिफरेंट है, लुक बहुत डिफरेंट दिया गया है। और अंजलि मिश्री ने शूट बहुत अमेजिंगली किया है कि यूथ को कनेक्ट करते हुए, कि ऐसा लगे नहीं कि बोरिंग, जैसे लावनी फील है लेकिन लावनी के साथ साथ आज का जो फील है, आज के जो यूथ का जो फील है वो भी है। सो बहुत ही मिक्स और बहुत ही एंटरटेनिंग गाना है, आप जब जाके देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। डांस तो कोई मुश्किल नहीं है, बट हाँ वर्डिंग का था कि वर्डिंग समझना और उसके ऊपर जो वर्डिंग है उस तरह से एक्सप्रेस करना, तो वो मुझे दीपा जी ने सब बताया था कि ये वर्डिंग का ये मतलब है ऐसा ऐसा, तो वो कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। और हमने दो दिन रिहर्सल इसीलिए किया था तो मुझे कि गाने का फील समझ में आ जाए, जब मैं परफॉर्म करने जाऊँ तो स्ट्रेस ना हो कि मुझे वर्डिंग नहीं पता या मुझे कैसे परफॉर्म करना है, किस वर्ड का क्या मतलब है और उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर ली थी। आपने बड़े-बड़े स्टार के साथ काम किया, आपके साथ तो नए हैं, कैसा नहीं नहीं पर इनमें बहुत इंथू है काम करने का, बहुत इंथुआज़म है, इनको करना है और बहुत पैशन से करते हैं, रिहर्सल में भी बहुत एनर्जी लगाते हैं अपनी। और मैं उनको बेस्ट विशेज दूंगी कि इन्होंने बहुत अच्छा किया और आगे भी काम करते रहे। देखिए सबसे पहले तो अनारा जी के साथ काम करना, ये तो ऑलरेडी डांसर है, बहुत काम कर चुकी है, गाने काफ़ी हिट भी है इनके और इनका नाम भी है। एज ए मैं डांसर, बॉलीवुड डांसर था, लेकिन इनके जैसा डांसर मैं नहीं हूँ, लेकिन इनका देख के मैं सीख गया। जब ये रिहर्सल कर रहे थे तो मैं देखा कि इतनी जान डाल रहे थे उस रिहर्सल में, मैं बोला यार इनके जैसा तो नहीं करूँगा लेकिन कोशिश करता हूँ। इन्होंने कोशिश की, इन्होंने कोशिश की। अब एक इंसान जो डांस के लिए पैशनेट है, जो डांस जिसका मतलब रंगों में के साथ नाचना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ऑफ कोर्स, बट नहीं इन्होंने बहुत कोशिश की और अल्टीमेटली सॉन्ग बहुत अच्छा बना है। और बस कौन सा वाक्य है जब आप नर्वस हो गए कि यार नहीं करना चाहिए, काम फंस गए? ये मौका आया था बीच में, फील हुआ होगा क्योंकि बहुत डांस वाला गाना है, बहुत ही डांस वाला स्टेप था एक, मैं ऐसा स्टेप था कि इनके हाथ को पकड़ कर मुझे खींचना है, वो एक स्टेप था। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम में कहाँ हाथ में पकड़े, कैसे पकड़े, वो चूड़ियाँ हाथ में थी और वो जब हाथ में पकड़ा तो मेरा पठानी हाथ है, तो वो पठानी पूरा जोर से हो गया, तो फिर इन्होंने मेरे को टोका, मैं बोला यार इन्होंने टोका क्यों टोका, ये तो गाने में होते रहता, ये थोड़ा मेरा भी थोड़ा सा मेरा गुस्सा आ गया, लेकिन फिर मैं अपने आप को कूल किया कि नहीं भाई गाना है, गलती होती है, चलो आदेश करके। फिर मैंने उनको पूछा कि कहाँ लगा है आपको, बोले यहाँ लगा है, बहुत ज़्यादा लग गई थी, बट ठीक है ये छोटी मोटी चीज़ें सेट पे होती हैं, बट हर आर्टिस्ट का यही होता है कि जो वो काम करे वो बेस्ट होना चाहिए, तो आई थिंक ये बेस्ट गाना है। इतना लकी मानते अपने आप को कि एक खूबसूरत लड़की के साथ, वो भी भोजपुरी की टॉप के साथ में आपने पहला मौका मिला काम करने का? लकी कहने से बेटर ये कहूँगा कि एक साथ में काम जब किसी के साथ करते हैं तो एक दिल को सुकून मिलता है कि भाई चलो हम एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ हमने काम किया है और उनसे से कुछ सीखने मिला है। सीखने मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी से हम सीख रहे हैं, चाहे फिर वो फीमेल हो, काम किए हुए हो या नहीं हो, लेकिन अगर तुमको किसी इंसान से कुछ सीखने मिलता है ना, उसके लिए वो महान होता है। तो मेरे लिए ये महान बोलूँगा क्योंकि इनके अंदर जो पैशन है डांस करने का, तो कोई भी बंदा नए नाचने वाले भी नाचेगा उनके सामने, तो मैं को इनका जोश देखकर मुझे मेरा जोश निकल आ गया। आपकी नज़र में कौन ऐसा डांसर, आइटम डांसर बॉलीवुड में या भोजपुरी में जिसको आप फॉलो करते हैं?
फॉलो मैं किसी को भी नहीं करती, मैं सिर्फ मानते हैं आप अगर आपसे पूछा जाए मैं तरह। मैं श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने बचपन से लेकर अब तक उन्हीं के गानों को, उनके एक्सप्रेशन, उनकी अदाओं को, उन्हीं को फॉलो किया है और इन फ्यूचर भी उन्हीं को करूँगी क्योंकि वो एवरग्रीन थी। उनके जैसा अगर मैं थोड़ा सा भी कर पाऊंगी तो मैं अपने आप को लकी समझूंगी। पठान साहब ऐसे माशाल्लाह गाना अच्छा बन गया, लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्या ये जोड़ी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकती, अब फिल्मों की बात की जाए? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं हो सकता है। वैसे हम तो प्रोड्यूसर हैं, हम तो हिंदी में अभी 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, और हो सकता है कि अनारा जी मैं आइटम सॉन्ग बोलो या एज ए हीरोइन बोलो हम जुड़ सकते हैं, क्यों नहीं, जरूर। मैंने कहा ना मैं काम करना चाहती हूँ और लैंग्वेज मेरे लिए कोई बात नहीं है, मुझे भोजपुरी भी नहीं आती थी, जम्मू से हूँ, भोजपुरी मैंने सीखी और आज जम्मू से जी अभी पता चला मुझे, मैं जम्मू रह चुकी हूँ और ये सबको पता है और मराठी भी मेरी भाषा नहीं है लेकिन मैं अगर कोई चीज़ सीखने पे आऊँगी तो डेफिनेटली मराठी भी सीख जाऊँगी। कश्मीर में बहुत सारी फिल्में बनी, कहीं आपको मौका मिला कि उस पे काम किया जाए अपने शहर में अपने गांव में? नहीं अभी तक नहीं, पर एक फिल्म की है आई थिंक वो लड़की के ऊपर कहानी, लड़की फीमेल बेस्ड स्टोरी है, उसकी बात चल रही है, तो अगर चीज़ें सब ठीक रही तो शायद उसके लिए काम करेंगे। नमस्कार, मैं वसंत पवार, जो आज मेरा गाना बिपोरियो म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है लाइन मारते हुए थेट, ये गाना मैंने लिखा है। वैसे मैं पेशे से पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, फिर भी मेरी एक हॉबीज़ थी कविताएं लिखना, कुछ गाने लिखना ऐसे थे, उसमें से एक मराठी गाना मुझे अच्छा लगा कि जो आजकल ट्रेंड है, जो डीजे पे बजता है या डांस के लिए जो मशहूर होते हैं गाने, उस टाइप में ये गाना था, इसलिए मैंने पहले ये गाना लिखा और मुझे लगा कि ये गाना हमको बनाना चाहिए और मैंने ये गाना बनाया। कौन कौन से कलाकार हैं इस गाने में और कहाँ ये गाना आया हुआ है, देखता ये गाना हमने बनाया, उसके बाद इसको म्यूजिक सागर सपकड़े है, उन्होंने म्यूजिक दिया है। वैसे इस गाने को शकुंतला जाधव जी और सुमित सावंत जी ने गाया है और ये गाना, इस गाने में अनारा गुप्ता जो कि हिंदी की हीरोइन है उन्होंने, और समीर पठान यानी कि जिलानी पाशा पठान इन्होंने एक्ट किया है। वैसे ये गाना पिछले महीने में यहीं पे इसी द डेजर्ट लाउंज इसमें शूट हुआ था और आज फाइनली ये गाना हमारा बिफोर यू यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हो रहा है। और सर जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप एक ऑफिसर भी हो, पुलिस ऑफिसर, एक तरफ ड्यूटी निभाना, एक तरफ गॉलर गाना लॉन्च करना, आपका हॉबीज भी है फिल्मों में, मराठी फिल्मों में स्क्रीनिंग का, किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली मेरे पहला मेरा काम मेरी ड्यूटी है, लेकिन उनमें से जो टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो एक अपने खुद के लिए मैं वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ और जो मेरे हॉबीज़ है वो मैं लिखता रहता हूँ, उसमें से ही मुझे ये गाना एक मेरे मुझे सुकून मिलता है कि थोड़ा सा हम कुछ अलग भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में है लेकिन कुछ अपने के अपने लिए कुछ करते हैं, इस वजह से मैंने ये गाना बनाया है। याची हमी अग 100 एकर जमीन है माझी, 100 एकर जमीन आहे माझी, करोडोत हाय त्याचा रेट, अग करोडोत हाय त्याचा रेट, म्हणून बघतोय इशारा करतोय लाईन मारतोय थेट तुझ्यावर लाईन मारतोय थेट। नमस्कार, लाईन मारतोय थेट नक्की बघा बिफोर म्युझिक मराठी चॅनलवर। आणि के बाद जो माहौल बना है और ये गाना डेफिनेटली इतना माहौल बनाएगा कि झूम उठेंगे सभी, क्योंकि डीजे के लायक उसका पहले तो लिरिक्स अच्छा है, बाद में म्यूज़िक बहुत ही बेहतरीन दिया है और उस पर इनका डांस और उनकी अदाएँ इतनी बेहतरीन की है उन्होंने कि ये गाना सुपर डुपर हिट हो जाएगा और डीजे पे इतना बजेगा। मैं ये सभी टीम को, सागर सकपाड़े और प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोरियोग्राफर और जो भी कलाकार हैं इनके जी, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरक्की हो और आगे नए गाने हमको सुनने मिले। और बिफोर यू चैनल की तरफ से बहुत ही अच्छा उपक्रम उन्होंने लिया है ये गाना लेके, तो उस पर तो सुपर डिपर हिट हो जाएगा गाना। बिल्कुल, ये गाना तो पहले तो बहुत आइटम सॉन्ग है तो करने में थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि पार्टी नंबर सॉन्ग बोले तो लोगों को नचाना वगैरह वो सब आता है। और मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगा वसंत पवार सर, क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और ये गाना मुझे दिया, तो थैंक यू वसंत पवार सर एंड अपने जो एक्टर है उनको, अभी ये मेरी फ्रेंड्स हो गए।
अच्छा लगा आप लोगों को गाना? बहुत अच्छा लगा, और आज की यंग जनरेशन के लिए सॉन्ग एकदम रॉकिंग होने वाला है। पूरा सॉन्ग यंग जनरेशन के लिए बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग है। थैंक यू। थैंक यू।